विशेष धम्म देशना आज दिनांक 8 जुलाई 2020 हम पाली त्रिपिटक के आधार पर पाली जो ग्रंथ है त्रिपिटक का दीर्घ निकाय उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम संगीति सूत्र पर कुछ चर्चा करेंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो सद्धम्म सवनं। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर जन्म लेना बड़ा सुखदायक बड़ा कल्याणकारी होता है सभी के लिए, सभी मानवों के लिए और सभी जीव सत्वों के लिए, पशु पंछियों के लिए, सभी देवताओं के लिए और मानवों के लिए बड़ा कल्याणकारक होता है तथागत बुद्ध का जन्म लेना। और उन्होंने जो धम्म सिखाया वो हमेशा बड़ा कल्याण का होता है, सभी के कल्याण का, बहुत सुखदायी सुख देने वाला। आज हम बुद्ध वाणी पर आधारित जो त्रिपिटक है उस त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की वाणी संग्रहित है और उसमें से सुत्त पिटक में से दीर्घ निकाय ग्रंथ के संगीति सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। संगीति सूत्र पर एक समय तथागत भगवान बुद्ध बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ मल्ल देश में चारिका करते हुए मल्लों के पावा नामक निगम में वो पहुंच गए और पावा नामक नगर में पहुंचकर वहां तथागत बुद्ध ने जो वहां पर मल्ल लोगों ने संथागार बनाया था यानी सामुदायिक प्रजातंत्र आश्रम भवन जो बनाया था उस भवन में सभी लोग इकट्ठे आए और सब इकट्ठे आने के बाद तथागत बुद्ध ने वहां पर सद्धम्म की देशना की और सद्धम्म की देशना के बाद तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा कि अभी आप इन सभी लोगों को सद्धम्म सुनाइए और मैं थोड़ा विश्राम करता हूं। तो इस प्रकार फिर सारिपुत्र ने ये संगीति सूत्र में विशेष रूप से ये जो बातें बताई गई है वो आज हम संक्षिप्त में उस पर चर्चा करेंगे। आयुष्मान सारिपुत्र को तथागत बुद्ध ने संबोधित किया और कहा कि आप सभी भिक्षु संघ को और सभी को ये धम्म देशना करिए, बताइए कि अभी कुछ दिन पहले ही निर्ग्रंथ नाट पुत्र का पावा में निधन हो चुका था, उनका देहांत हो चुका था और जब उनकी मृत्यु हुई निर्ग्रंथ नाट पुत्र की तो सभी उनके लोगों में एक प्रकार की फूट पड़ गई कि एक दूसरे पर वो आरोप प्रत्यारोप करने लगे, एक दूसरे को कोसने लगे। वो कहते कि तुम धर्म विनय को नहीं जानते, मैं जानता हूं धर्म विनय इस प्रकार का है,
तुम जो बता रहे हो वो मिथ्यारूढ़ है, तुम्हारा कथन सही नहीं है, अर्धवान कथन है, पहले वाली बात को तुम पीछे कहते हो, पीछे वाली बात को पहले कहते हो। तो इस प्रकार का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके उनके शिष्यों में विघटन हो गया था, वो बिखर गए थे। तो इस प्रकार उस बात को लेकर तथागत बुद्ध ने बताया था कि मैंने जो कुछ भी सिखाया है सद्धम्म, उसका आप संगायन करो, उसको स्मरण करो कि क्या क्या मैंने सिखाया है। वो सभी लोग मिलकर एक साथ बैठकर उसको धारण करो, संग्रह करो, जिससे कि सद्धम ठीक ढंग से सुरक्षित रखा जा सके, चिरस्थाई वो लोगों का कल्याण करने वाला बने। और इसीलिए आप सभी ने मिलकर उनका संगायन करना है। जो जो बात मैंने सिखाई है उन सबको आप इकट्ठे आकर संगायन करें। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उनको सारिपुत्र को, जो धम्म सेनापति करके जिन्हें नियुक्त किया गया था, तो उनको तथागत बुद्ध ने कहा। और फिर विशेष रूप से सारिपुत्र इस सूत्र में भिक्षु संघ के साथ चर्चा करते हैं। यह ऐसा सूत्र है दीर्घ निकाय का कि जहां पर तथागत बुद्ध ने क्या क्या सिखाया उनको संक्षिप्त में, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार बातें क्या सिखाई, पांच बातें बुद्ध ने क्या सिखाई, छह बातें क्या सिखाई, इस प्रकार से उन्होंने सब बुद्ध ने जो जो कुछ मूल्यवान सिखाया था उनका संग्रह करके वो इस सूत्र में संक्षिप्त में वो आता है। तो पहले से लेकर उन्होंने जो शुरू किया, ये सूत्र ही ऐसा है, संगीति सूत्र, यानी सारे बुद्ध के बताए हुए उपदेशों का यहाँ पर एक संग्रह किया हुआ है, संगायन किया हुआ है। ये तो बुद्ध के जीवित काल में भी हुआ है। उसके बाद जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, तो फिर महापरिनिर्वाण के बाद 3 महीने बाद जब भिक्षु संघ की संगीति बैठी, प्रथम धम्म संगीति, तो वहां पर सभी भिक्षु 500 अरहत भिक्षुओं ने वो संगायन किया और तथागत बुद्ध ने जो भी सिखाया उनको याद करके संग्रहित किया, तब से त्रिपिटक निर्माण हुआ। लेकिन उसके पहले जो ये संगायन की बात तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को कह रखी थी कि आप बार बार उसका संग्रह किया करें, उस पर चर्चा किया करें। तो इस सूत्र में एक एक बात आती है कि बुद्ध ने एक बात क्या सिखाई। उसमें आता है सभ्य सत्ता आहार तिट्ठिका, सभी जीव सत्व आहार पर निर्भर करते हैं, भोजन पर निर्भर करते हैं, ये एक सत्य है, एक बात है। सभ्य सत्ता संखार तिट्ठिका, सारे जो जीव सत्व है वो संखार ऊपर प्रतिष्ठित है, संखार पर टिके हुए हैं। फिर दो बातें क्या है, तो दो में बुद्ध ने कहा नामंच रूपंच, यानी विभाजन किया बुद्ध ने कि नाम यानी विज्ञान माइंड और रूप यानी मैटर शरीर। तो ये दो बातें ध्यान में रखो कि नाम अलग है यानी विज्ञान अलग है और शरीर अलग है, ऐसी दो बातें, नामंच रूपंच, ये दो बातें। फिर अविद्या च भवतन्ना च, अविद्या एक बात है, भवतन्ना दूसरी बात है। फिर भवदिट्ठि च विभवदिट्ठि च, भवदिट्ठि यानी
भव मेरा होते रहे, जन्म मेरा होते रहे, वो एक दृष्टि है। और विभव दृष्टि यानी मेरा जन्म ना हो, वो एक बात है। इस ऐसे दो बातें, इस प्रकार सोवचस्यता च पापमित्तता, ये सोवचस्यता पापमित्तता, ऐसा दो दो बातें करके बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। फिर सती च संप्रजन्य च, सती अलग बात है और संप्रजन्य, सती संप्रजन्य ये अलग बात है, वो दोनों को हमें मिलाना पड़ता है। इंद्रियेषु अत्त गुत्त द्वारा च भोजने भोजने अमृत नियुक्ता च, अपने इंद्रियों को संयमित करना एक बात है और अपने भोजन में अल्प मात्रा में जागृत भाव से भोजन करना दूसरी बात है। इस प्रकार समथ च विपस्सना च, समत भावना आनापान स्थिति का जो अभ्यास है, समत भावना का अभ्यास कहा जाता है, विपश्यना का अभ्यास वो विस्तृत भावना का अभ्यास कहा जाता है। फिर विज्ञा च विमुक्ति च, विज्ञा एक बात है, विमुक्ति दूसरी बात है। उसके बाद तीन क्या है, तीन कौन सी चीजें है, तीन ही अकुशल मूलानी, तीन बात, तीन अकुशल मूल होते हैं। तो कौन से तीन, लोभो अकुशल मूलं, दोषो अकुशल मूलं, मोहो अकुशल मूलं। लोभ द्वेष और मोह ऐसे ये तीन अकुशल के मूल है, सारे अकुशल कर्म सारे बुरे कर्म इन तीनों में से निर्माण होते हैं। तीन ही कुशल मूलानी, इसी प्रकार तीन जो है कुशल मूल है, सभी कुशल कर्म इन तीन बातों में से, तीनों में से निर्माण होते हैं। कौन से तीन, एक है अलोभो, अलोभ भावना से किया हुआ काम भी कुशल कार्य होता है। अदोषो कुशल मूलं, दोष नहीं बिना दोष से किया हुआ काम कुशल होता है। अमोहो यानी बिना मूढ़ता से किया हुआ काम कुशल होता है। इस प्रकार तीन ही दुष्चरितानी, तीन प्रकार के दुष्चरित्र होते हैं। कौन से, काया का दुष्चरित्र, काय दुष्चरितं एक, वची दुष्चरितं दो, और मनो दुष्चरितं तीन। इसी प्रकार तीन प्रकार के सुचरित्र होते हैं, एक तो काया का सुचरित्र अच्छा चरित्र, और वची का यानी वाणी का अच्छा चरित्र, अच्छी वाणी बोलना, और मनो सुचरितं यानी सुचरित रूप से मन का उपयोग करना, मन को सुचरित बनाना। तो इस प्रकार तयो कुशल वितक्खा निखम्म कम्ब वितक्को अभ्यापाद वितक्को अभिहिंसा वितक्को, ऐसे तीन प्रकार के कुशल वितर्क कहे गए हैं। तीन प्रकार के अकुशल वितर्क है, काम वितक को अकुशल है, व्यापाद वितक को अकुशल है, व्यापाद यानी द्वेष के साथ वितर्क अकुशल है, विहिंसा वितक को हिंसा भावना से विचार करना ये अकुशल है। इस प्रकार तीन तीन की बात बताते हुए तिस्सो तन्ना, तीन प्रकार की तृष्णा होती है, एक होती है रूप तृष्णा, दूसरी होती है अरूप तृष्णा, और तीसरी होती है काम तृष्णा। काम तृष्णा, रूप तृष्णा, अरूप तृष्णा, ऐसे तीन प्रकार की तृष्णा। फिर तीन प्रकार की वेदना होती है, एक होती है सुखा वेदना, सुखद वेदनाओं की संवेदनाओं की अनुभूति, दूसरी होती है दुखा वेदना, दुखद वेदना संवेदनाओं की अनुभूति, और तीसरे अदुखम सुखा वेदना यानी दुख भी नहीं और सुख भी नहीं, जिसे न्यूट्रल फीलिंग कहते हैं। ऐसे तीन प्रकार की, तीन ही पुण्य क्रिया वत्थुनी, तीन प्रकार के पुण्य करने लायक वस्तु होती है। कौन सा तीन, एक दानमयं पुण्य क्रिया वत्थु यानी दान देना ये पुण्य कार्य होता है, शीलमयं पुण्य क्रिया वत्थु शील का पालन करना ये बड़ा पुण्यवर्धक होता है,
उसी प्रकार भावना मयं पुण्य क्रियावत्थु, ध्यान भावना का विपश्यना का अभ्यास करना ये बड़ा पुण्य वर्धक होता है। इस प्रकार तीन तीन की बात भी बुद्ध आगे बताते बताते, बहुत लंबा सूत्र है ये। फिर तीनी चक्षुरी, तीन प्रकार की चक्षु विशेष रूप से बताई गई। एक है मंस चक्षु यानी मांस की आंखें, दूसरा है दिव्य चक्षु यानी डिवाइन आई, जो प्रज्ञा की चक्षु होती है, प्रज्ञा से की ऊपर डिवाइन आई यानी दिव्य चक्षु, और तीसरा है पंया चक्षु, पंया यानी विजडम, ये भीतर ही भीतर जगने वाली पंया, वो भी चक्षु उसे भी कहा जाता है। फिर तयो समाधि, सुयो तो समाधि, अनिमितो समाधि, अपनिहितो समाधि, तीनी सोच यानी काय सोचयं, वचि सोचयं, मनो सोचयं, तिस्सो विद्या, तीन प्रकार की विद्या भी विशेष रूप से बताई गई है। पुबे निवासानु सति ज्ञानं, यानी तीन प्रकार की विद्या है, ज्ञान है, कौन सा? तो पहला ज्ञान पुबे निवासानु सति ज्ञानं, यानी पूर्व अपने पूर्व जन्मों को जानने का ज्ञान, वह है पहले प्रकार की विद्या। दूसरे प्रकार की विद्या सत्तानं चतुपपाते यानं, चतुपपाते यानं विद्या, यानी जीव सत्व को कैसे गति मिलती है मृत्यु के बाद, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, उनको जानने का ज्ञान, इसे कहते दूसरे प्रकार की विद्या। और तीसरे आसवानं खये विद्या, यानी अपने आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव और ये विकार सारे निकल गए हैं, उसे जानकर कहते हैं वही एक विद्या, विद्या है तीसरे प्रकार की। फिर चार में बताया तथागत बुद्ध ने चतुक, चार में क्या क्या है, तो चार में ये चत्तारो सती पठाना की बात कही है, चार प्रकार के सती पठान भी बुद्ध ने सिखाए, और चार में चार जो सत्य, चार आर्य सत्य बुद्ध ने बताए, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधागामिनी पति पदा आर्य सत्य, ये भी तथागत बुद्ध ने बताया है। इसी प्रकार चार में चार प्रकार के फल होते हैं, जिसको भिक्षुओं ने उपासकों ने पाने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में उसका लाभ लेना चाहिए, वो चार फल होते हैं। सोतापत्ति फलं, सामान्य फलानी, सोतापत्ति फलं, सकदागामी फलं, अनागामी फलं, अरहत फलं, यानी चार प्रकार के फल मिलने चाहिए जीवन में। ये मिलाने का मार्ग तथागत बुद्ध ने सिखाया कि जीते जी श्रोतापन्न अवस्था का फल पा लेना, सकृदागामी अवस्था का फल पा लेना, अनागामी अवस्था का फल पा लेना और अरहत अवस्था का फल पा लेना, ये मार्ग तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से सिखाया है। चत्तसो धातु, चार प्रकार की धातु होती है, कौन सी धातु? पृथ्वी, पृथ्वी धातु यानी पृथ्वी एक धातु है, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु यानी जल धातु, अग्नि धातु और वायु धातु, ऐसे चार प्रकार की धातु तथागत बुद्ध ने बताई। चत्तारो आहार, चार प्रकार के आहार, एक तो कबड़ीकार आहारो सुखुमो फसो, ये दूसरा स्पर्श, ये दूसरा आहार है, तीसरा मनो संचेतना आहारो, और चौथा है विज्ञानं विज्ञान, ये भी एक आहार है। तो ऐसे चार प्रकार के आहार तथागत बुद्ध ने बताए। फिर चत्तारो धम्म स्कंद, चार प्रकार के धम्म स्कंद, सील स्कंद एक, समाधि स्कंद दो, प्रज्ञा स्कंद तीन और विमुक्ति स्कंद चार। इसी प्रकार चार प्रकार के बल बताए गए हैं, वीर्य बल एक, सती बल दो, समाधि बल तीन और पंया बल चार। और
फिर चार प्रकार के ओघ होते हैं, कामोघो भवोघो दिट्ठोघो अविज्जाघो। चार प्रकार के ग्रंथि होती है कि अभिज्जा काय गंथो, व्यापादो काय गंथो, शीलबत्त परामासो काय गंथो, इंद सच्चा भी निवेशो काय गंथो। यानी काय की चार प्रकार की ग्रंथि मानी जाती है, अभिज्जा एक, व्यापाद दोन, शीलबत्त परामर्श तीन, और ये व्यापादो चार, शीलबत्त परामर्शो। इस प्रकार से चार प्रकार की काय ग्रंथि बताई गई है, और चार प्रकार की योनि कि कैसे कैसे सत्वों का जन्म होता है। अंडजा योनि, कुछ का जन्म अंडों से हो जाता है। जलभुजा योनि यानी गर्भ से जन्म होता है जीव सत्वों का। संसद जयो योनि यानी संसद से, यानी पसीना आदि ऐसे ओलावा जिसे होता है उससे भी वो जन्म होता है। और ओपपातिको यानी ऐसे ही वो जन्म लेते हैं, अपियर और डिसअपियर, ऐसे ही जन्म लेते हैं, ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं ओपपातिका। तो ऐसे चार के भी बारे में बहुत सारा बताया गया है। चत्तारो अही बुहारा मूसावादो, एक पिसुनावाचा ये दो, फरुसावाचा ये तीन, और संपपलापा चार। इस प्रकार पांचवे में तथागत बुद्ध बताते हैं पंच स्कंधा। कौन से पांच स्कंध? एक है रूप स्कंध यानी शरीर, वेदना स्कंध यानी संवेदना, संज्ञा स्कंध यानी चित्त की संज्ञा, संखार स्कंध चित्त का संखार, और विज्ञान स्कंध यानी विज्ञान। ऐसे पांच स्कंध। फिर पांच प्रकार के उपादान बताए, रूप उपादान खंदो, वेदनानुपादान खंदो, संयुपादान खंदो, संखारुपादान खंदो और विज्ञान उपादान खंदो। फिर पांच गति बताई है, तो पांच प्रकार की गति होती है जीव सत्वों की मृत्यु के बाद। एक गति है निरय यानी दुर्गति की योनि, फिर तिरच्छान योनि पशु पंची की योनि, फिर प्रेत विषयो यानी प्रेत की यक्ष आदि योनि, और चौथे है मनुष्य योनि कि मनुष्य लोक में जन्म, और पांचवे है देवा योनि। ऐसे पांच प्रकार की योनि यानी पांच प्रकार का मृत्यु के बाद जो भव होता है वो पांच प्रकार से होता है, ये तथागत बुद्ध ने बताया। पांच प्रकार की संपदा है, संपत्ति है। एक है ज्ञाति संपदा, उसे संपत्ति कहा जाता है कि अधिक से अधिक हमारे ज्ञाति रिश्तेदार हो। दूसरा है भोग संपदा यानी भोग की वस्तु हो, धन दौलत हो, वो भी एक संपदा है। फिर आरोग्य संपदा, अपने शरीर अपना आरोग्य ठीक से हम रखें, उसे भी संपदा माना जाता है। और फिर है शील संपदा, शील भी एक संपदा है। और दिट्ठी संपदा, दिट्ठी यानी हमारी सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि ना हो, तो उसे संपदा माना जाता है। और फिर पांचवे के बाद पांच इंद्रिय बताए हैं, पंया इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, सती इंद्रिय, घाने इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय इंद्रिय। इस प्रकार के पांच इंद्रिय, और पांच प्रकार की और भी इंद्रिय, सद्धि इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पंया इंद्रिय। ये पांच बातें इंद्रियों के बारे में बुद्ध ने सिखाई। फिर छह बातें बुद्ध ने छह में क्या क्या बताया है, उसमें बताया छह प्रकार के आयतन, चक्षायतन यानी चक्षु, श्रोतायतन यानी हमारे कर्ण इंद्रिय, घानायतन नासिका इंद्रिय, जिह्वायतन यानी जिह्वा ये भी इंद्रिय, कायायतन यानी शरीर, और मनायतन यानी मन। ऐसे छह प्रकार के आयतन होते हैं। फिर छह प्रकार के ये
भीतर के आयतन हुए, छह प्रकार के बाहर के आयतन यानी रूप आयतन रूप वस्तुएं दिखना, शब्द आयतन शब्द को सुनना, गंध आयतन गंध और दुर्गंध को जानना, रस आयतन जीवा से रस को चखना समझना, फुटब आयतन स्पर्श और धम्म आयतन यानी धम्म इस प्रकार के, फिर छह प्रकार की स्पर्श चक्षु संपर्शो सोत संपर्शो घान संपर्शो जिह्वा संपर्शो काय संपर्शो मनो संपर्शो इस प्रकार के छह प्रकार के स्पर्श वो भी तथागत ने बताए। तन्ना काया छह प्रकार की तन्ना रूप तन्ना शब्द तन्ना गंध तन्ना रस तन्ना फोटब तन्ना ऐसी छह छह की बात तथागत बुद्ध यानी वो बड़ा लंबा सूत्र है ये तो छह छह की बात। उसके बाद सात की बात बुद्ध ने बताई कि सात कौन सी चीज है। सत्य अरिय धनानी सात प्रकार का धन होता है आर्यों का यानी अच्छे लोगों का नोबल लोगों का। एक श्रद्धा धन श्रद्धा धन है, शील धन शील का पालन करना धन है, हिरी धन ये भी धन है, उत्तप धन और सूत धन चाग धन पहिया धन ऐसे सात प्रकार के धन तथागत बुद्ध ने बताए। और उसी प्रकार सत्य भोजंग सती संभोजंगो धम्म विचय संभोजंगो दो वीर्य संभोजंगो तीन पीति संभोजंगो चार पसदी संभोजंगो पांच समाधि संभोजंगो छ और उपेक्षा संभोजंगो ये सात। ऐसे सात प्रकार के संभोजंग की तथागत बुद्ध ने शिक्षा दी। सत्य संज्ञा सात प्रकार की संज्ञा भी बुद्ध ने बताई। अनिच्च संज्ञा यानी अनित्य को जानना, अनत्त संज्ञा आत्मा नहीं है मेरा नहीं है ऐसा जानना, अशुभ संज्ञा सब अशुभ है उसे जानना, आदिनव संज्ञा यानी दुख देने वाली है कष्ट देने वाली है, पहान संज्ञा उसका हमें प्रहान करना है, विराग संज्ञा हमें उसे छोड़ना है, निरोध संज्ञा उसका निरोध करना है, इस प्रकार छह प्रकार की संज्ञा। तो छह छह के वर्ग में बहुत सारी बातें सिखाई है, सात सात के बारे में बात सिखाई है। सत्त बलानी सात प्रकार के बल, श्रद्धा बलन वीर्य बलन हिरी बलन उत्तप बलन सती बलन समाधि बलन पहिया बलन और इस प्रकार अठक। फिर आठ में तथागत बुद्ध अरिय अष्टांगिक मार्ग बताते हैं कौन से आठ मार्ग है। वो तो मिच्छादिट्ठि सम्मादिट्ठि सम्मादिट्ठि सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि ये सम्यक मार्ग है। और असम्यक यानी मिच्छा दिट्ठि मिच्छा संकल्पो मिच्छा वाचा मिच्छा कम्मन्तो मिच्छा आजीवो मिच्छा वायामो मिच्छा सति और मिच्छा समाधि। तो ये मिच्छा यानी गलत की ओर ले जाने वाला रास्ता है तो उससे हमें बचना चाहिए और सम्यक रास्ते से चलना चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने बड़ी विशेष ढंग से इसमें बताया है। और फिर इसी सूत्र में नौ बातें, कौन सी बातें हैं तो इसमें नौ सत्तावासा यानी नौ प्रकार के सत्व का वास होता है तो ये भी बड़ा डिटेल उसमें बताया गया है। हम एक आध दिन इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि नव सत्तावासा क्या होता है। फिर इसमें दस प्रकार की बातें तथागत बुद्ध ने बताई। ये दस कशीन जो है ध्यान भावना की उसमें कहते दस कसीनानी पृथ्वी कसीन संजानाती उद्ध अधो तिरिय। तो ये दस प्रकार के कशीन तथागत बुद्ध ने बताए। आपो कशीन तेजो कशीन वायु कशीन यानी ध्यान भावना के ऑब्जेक्ट जिस पर हमने एक दिन चर्चा की है 40 प्रकार की जो कशीन तथागत बुद्ध ने बताए। तो यहाँ पर 10 प्रकार की चर्चा है फिर दूसरे 10 तीसरे 10 चौथे 10 इस प्रकार के 40 प्रकार के कशीनों की यानी
ध्यान भावना के ऑब्जेक्ट की चर्चा तथागत बुद्ध ने बताई है, तो ऐसे ही ये जो संगीति सूत्र है क्या तथागत बुद्ध ने मूल रूप से सिखाया, उसका विभाजन करके उसके वर्ग बनाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 10 वर्ग बनाकर क्या क्या बुद्ध ने सिखाया उसका पूरा लेखा जोखा इस संगीति सूत्र में आता है। और इसका संगायन करने से कि क्या बुद्ध ने सिखाया उसका उसका निचोड़, उसका संक्षिप्त विवरण इस दीघ निकाय के संगीति सूत्र में यहाँ पर दिया हुआ है। और इस रास्ते पर चलने से हम राग द्वेष मोह से मुक्त होकर उसको पूरी तरह से निकालकर विमुक्ति का जीवन जी सकते हैं और अधर्म को छोड़कर सद्धम्म के रास्ते पर आकर जिसे सम्यक मार्ग कहते हैं, मिथ्या नहीं तो सम्यक मार्ग, इस मार्ग पर आकर हम अपना सही कल्याण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा क्या और बुरा क्या, ये दोनों प्रकार की बातें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 10 वर्ग में बताकर, एक एक वर्ग में बहुत सारी बातें वहां पर आती है, बहुत सारी शुष्क बातें और बड़ी महत्व की बातें तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में कही है। तो हमने केवल संक्षिप्त में ये संगीति सूत्र का आज इस पर चर्चा की, इसका विवरण किया कि लोगों को भी पता चले कि बुद्ध ने कितने शुष्क ढंग से और कितने व्यवस्थित ढंग से दूर दृष्टि रखकर के 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर वाइज उन्होंने सिखाने का प्रयास किया और उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरा त्रिपिटक ऐसे सूक्ष्म पर ही बड़ा त्रिपिटक बन जाता है, बना है। तो धम्म संगीति में यही जो सूत्र है संगीति का जो हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया, आप सबका मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले। सद्धर्म की सेवा में आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरू।